आज हम लोग सबसे पहले एचआर लेबर लॉ की क्लास स्टार्ट करने से पहले यूजीसी नेट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस में क्या चीज़ें हैं और क्यों हमको एचआर पढ़ना चाहिए, एचआर में किन किन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, लेबर लॉ क्या है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसे सवाल होते हैं कि हमने तो एमबीए किया हुआ है तो हम मैनेजमेंट से एग्ज़ाम दे देंगे, पेपर कोड 17 को चूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम एचआर का पेपर चूज़ करने पर हमें इसका स्कोप पता भी है, मतलब चल उसका पता है या नहीं है, इसका कोई स्कोप है या नहीं है। तो फॉर द एग्ज़ाम्पल, जब मैंने भी कंप्लीट किया था एचआर से अपना एमबीए, देन उस टाइम पर मुझे भी बहुत इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, लेकिन जब मैंने नेट दिया और नेट जाने के बाद जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, बाकी चीज़ें आई, तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हुआ कि एचआर का स्कोप बहुत है और मैं इसे कई सब्जेक्ट में पढ़ा सकती हूँ। आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर सब्जेक्ट में डिमांड होती है। इवन अगर आप एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट होम साइंस को ले लें तो उसमें भी आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें उसमें पूछा जाता है व्हाट इज़ द टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए अप्रोच कहाँ पर लगता है, मनी कंट्रोलिंग कहाँ पर होता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर सिलेबस को सबसे पहले समझना चाहिए। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने का सबसे तीन ट्रिक हमेशा याद रखिए। द फर्स्ट इज़ कि टाइम लिमिटेशंस आपके पूरी की पूरी हो। सबसे पहली चीज़ होता है कि आपके पास कितना टाइम आप दे रहे हैं। जैसे सपोज़ हर 6 मंथ पे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है और हम देखते भी हैं कि यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन जो होता है 6 मंथ के गैस पे होता है, लेकिन उसमें हमारे पास पूरे 5 से साढ़े 5 महीने का पूरा टाइम पीरियड होता है अपने सिलेबस को कम्प्लीट करने का विद क्वेश्चन पेपर। अब जब हम उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखना होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस राइटर को पढ़ रहे हैं। तो तीन चीज़ें, सबसे पहले हमारा टाइम कि हम किस टाइम में पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना है हमको, किस तरह से पढ़ना है, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हमें सब दूसरी चीज़ें होती हैं संसाधन, यानी बुक्स, हम कौन सी बुक्स रेफर कर रहे हैं, किस माध्यम को चूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मार्केट में जाते हैं और उन किताबों को परचेज करने में लग जाते हैं जो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, घर पे लाकर रख दिया, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाता क्योंकि उन किताबों से पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बन पाता, उनको समझ में नहीं आता है। तो जिस चीज़ को हमें समझ में नहीं आ रहा उस चीज़ को ख़रीदने का तो कोई मतलब है नहीं। तो हमें किताबें परचेस करते समय, बुक्स को लेते समय, ख़ास तौर पे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स को हम देते हैं तो उस समय उन्हीं किताब को ख़रीदें जिससे हमारे बेसिक सबसे पहले क्लियर हो, उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद हम टर्मिनोलॉजी और ट्रिक्स और इन चीज़ों को वो करें। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ाई करने से यूजीसी नेट तो क्लियर होने से रहा आप लोगों का। आप लोग ये चीज़ अच्छी तरह से जान गए हैं कि यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए डेप्थ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के जो है दो प्रोस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट होता है। जब हम पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ हमें समझ में आता है। हम जब उसको पढ़ते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हमने पढ़ लिया और क्वेश्चन, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आज से कई साल पहले अगर हम 2012 के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो उस समय पे सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते थे यूजीसी नेट में कि हु वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हु वॉज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, हु हैज गिवन द टर्म ब्यूरोक्रेसी। ठीक, ये सिंपल टर्म्स होते थे जो हम लोग उस समय पे पढ़ लेते थे और हमारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते थे कि इन विच ईयर फैक्ट्री एक्ट वॉज पास, द फैक्ट्री फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन विच ईयर कम, तो ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे। लेकिन जैसे जैसे यूजीसी के फ्रेमवर्क में तब्दीलियां होती गई और ये बदलाव आते गए हायर एजुकेशन्स में, तो उसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग भी क्या हुई, बदलते गए। अब क्वेश्चंस में ये नहीं पूछा जाता कि कौन से पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया, अब पूछा जाता है कि पहले फैक्ट्री एक्ट में, यानी द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड इन 1881। हम सबसे पहले ये चीज़ बता दें कि इंडिया में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 यानी कि 1881 में पास हुआ था,
उस फैक्ट्री एक्ट में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे या उस फैक्ट्री एक्ट में कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसके स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ता है और किस केस के तहत फैक्ट्री एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें तब्दीलियां लाई गई हैं, ठीक, कितने अमेंडमेंट्स हुए, द मेजर अमेंडमेंट्स कब हुआ, किस अमेंडमेंट्स में फैक्ट्री एक्ट में कौन सी चीज़ों को सेक्शंस को जोड़ा गया, किस सेक्शंस के तहत कौन सा ऑफिसर या कौन सी चीज़ें आती हैं, चैप्टर में कौन कौन सी क्या कहते हैं सेक्शंस आते हैं, ये क्वेश्चंस अब फ्रेमवर्क में आता है जिसे हमको पढ़ना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमें लेबर लॉ याद ही नहीं होता है, जबकि मेरे हिसाब से ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, आपके लिए नहीं है, मेरे हिसाब से ये है कि लेबर लॉ बहुत ईजी भी है, क्योंकि अगर एक बार आपको इट्स लाइक जस्ट मैथमेटिक्स, अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको एक बार चीज़ें याद हो गई, आपको डेफिनेशंस उसके उसमें कोई रटने वाली चीज़ है नहीं, उसको एक बार आपको दिमाग में बैठ गया तो आप जो है उसको फिर क्या करेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कि आप उसको दोबारा पढ़ें, क्योंकि उसमें फिर जो अमेंडमेंट होंगे उसी को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लेबर लॉ बिल्कुल फिक्स्ड है जो कि गवर्नमेंट पास करती है एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं वो हमको पढ़ना होता है। मेजर टाइम पे अब जो होता है वो अमेंडमेंट पूछा जाता है, फैक्ट्री एक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हो, चाहे द माइंस एक्ट 1952 हो, चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 हो। कितने बच्चे होते हैं जिनके जो कहते हैं मुझे एक्ट के ईयर याद नहीं होते हैं, तो ये सारे भी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस पढ़ने आना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस में हमको पढ़ना कैसे है, किस तरह की बुक्स को। उसके बाद हमारे पास तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन फ्रेम कहाँ से हो रहा है, ज़्यादा किस तरह के हो रहा है। जब हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन होते हैं, उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही होता है, बाकी तीन ऑप्शंस गलत होते हैं, पर वो तीन ऑप्शंस भी कहाँ से आए हैं अगर इसको देखते हुए पढ़ते हैं, तो हमारे एक एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस फ्रेम हो गए, चार क्वेश्चन, यानी हमें चार क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। यानी एक पेपर में अगर अभी की बात करें तो 100 क्वेश्चन है, तो यानी हमें 400 क्वेश्चन, नियर अबाउट 400 क्वेश्चन हम एक बार में तैयार कर लिए। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन वॉज एनम लोखांडे, ठीक है, एनम लोखांडे जो है फादर ऑफ ट्रेड यूनियन इंडिया में कहे जाते हैं। अब उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढा जाए कि इसमें से करेक्ट, तो एक ऑप्शन में दे देगा एनम लोखांडे, दूसरा ऑप्शन बीपी वाडिया को दे देगा, तीसरा ऑप्शन एनम जोशी को देगा, चौथा ऑप्शन लाला लाजपत राय को देगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि एनम लोखांडे क्या है, फादर ऑफ ट्रेड यूनियन है, ठीक, एक तो आंसर हमारा ये मिल गया। फिर हम ये भी देख लें कि एनम जोशी और बीपी वाडिया और लाला लाजपत राय कहाँ पर, उनका रोल कहाँ पर है। तो एनम जोशी जो है वो क्या है, AITUC में, यानी 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जब बना तो एनम जोशी और लाला लाजपत राय का रोल वहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बीपी वाडिया की, तो जो मद्रास सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन बना था मद्रास में, उसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी वाडिया थे। तो अब जब नेक्स्ट टाइम कभी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है बीपी वाडिया से रिलेटेड या एनम जोशी लाला लाजपत राय से रिलेटेड आता है, तो हमें पता रहेगा कि ये क्वेश्चन फ्रेम करने के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम सबसे पहले सिलेबस में देखेंगे यूनिट वन में है प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का विषय आया कहाँ से, मेजर क्वेश्चन अगर हम देखें कि आया कहाँ से, किस जगह से निकल रहा है, तो ऐसा मुझे पढ़ने के दौरान देखने को मिला कि सबसे पहले एंशियंट टाइम पे कोई प्रबंधन जैसा कोई विषय नहीं हुआ करता था, उस समय होता था राजनीति विज्ञान, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद एक ब्रांच बनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वुड्रो विल्सन, हम जैसा पढ़ते हैं। तो वुड्रो विल्सन ने किस चीज़ पर फोकस किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक अलग सब्जेक्ट है जिसको अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग
उसमें जा रहा है, स्ट्रीम में जा रहा है, और ये एक बहुत ब्रॉड लेवल पर है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी और भी ब्रांचेज बनती गई, जिसमें से एक ब्रांच निकल के आई मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में जो है एक ब्रांच और निकल के आई एचआर। अब सपोज मानते हैं कि आपने एमबीए किया, आपने एमबीए किया है एचआर फाइनेंस से या मार्केटिंग एचआर से या जो भी आपका स्ट्रीम रहा, अब आप फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं एचआर में, तो सवाल ये है कि आप फिर पेपर कोड 17 को क्यों चूज करें, आप पेपर कोड 55 को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लोगों का ये रहता है कि नहीं, हमको एचआर में करना है, तो एचआर का तो कोई स्कोप ही नहीं नज़र आ रहा है, पता नहीं उनको पढ़ाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कुछ होता तो पेपर कोड 55 को क्यों डालता है यूजीसी, क्या वजह, कोई ऐसे ही तो पेपर कोड डाला नहीं है। यानी कि ये एचआर क्या है, एक अपने आप में ब्रॉड लेवल में पढ़ने वाला विषय बन गया है। अब प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ, हम यहाँ पे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, मैनेजमेंट थॉट्स यानी कि जो प्रिंसिपल्स आए मैनेजमेंट के, वो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से निकले और उसे मैनेजमेंट में एप्लीकेबल किया गया कि प्रबंधन क्या है, व्हाट इज द मैनेजमेंट, और किस तरह से उसमें किसके किसके क्या कंट्रीब्यूशन हुए। हम पुरानी पद्धति से जब नई पद्धति में आते हैं, जब हम पुरानी मेथडोलॉजी यानी ओल्ड मेथडोलॉजी से नई मेथडोलॉजी से काम करते हैं, तो मैनेजमेंट में हम लोग बहुत सारे फीचर्स पढ़ते हैं, छोटे छोटे से स्टार्टिंग में मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के नेचर्स पढ़ते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज ए एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो हम ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कि ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है, मैनेजमेंट इज एज ए डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज अ क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं जितने भी मैनेजमेंट थॉट्स में, यानी कि जो विचारक होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, उन्होंने अपने अपने मैनेजमेंट को लेकर जो है मैनेजमेंट को लेकर विचार दिए और बताया कि उनके हिसाब से ये होता है मैनेजमेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेलर की, फ्योल की, मेयो की, मैरी पार्कर फॉलेट की एंड सीआई बर्नार्ड की। तो टेलर, हु वाज द टेलर, अगर हम टेलर की बात करें तो इनका टाइम पीरियड था 1856 टू 1915। इन्होंने इस टाइम पीरियड में बहुत सारे वर्क किए, छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक अ साइंस, साइंस होता है क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है मैनेजमेंट को हम साइंटिफिकली। तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपल दिए, मैनेजमेंट इज नॉट रूल ऑफ थम, है ना, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थम, हम पढ़ते हैं तो विज्ञान क्या है, रूल ऑफ थम नहीं है। ठीक, कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो टेलर की थ्योरी से हमको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो टेलर, फ्योल, मेयो, इन लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं, और कम से कम 20 क्वेश्चन तो जो है इन्हीं लोगों से घिरे हुए रहते हैं, क्योंकि थॉट्स को कोई नहीं पढ़ना चाहता, थिंकर कोई नहीं पढ़ना चाहता। और जब तक हम टेलर को पढ़ेंगे नहीं, टेलर के विचार को समझेंगे नहीं, और उसके बाद टेलर के विचार को हम कहाँ रखेंगे, टेलर के थॉट्स को कहाँ रखेंगे, अपने सब्जेक्ट में रखेंगे कि क्या वो हमारे सब्जेक्ट में प्रॉपरली वे में वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो टेलर का टाइम पीरियड हमने मैंने बताया कि 1856 से 1915 था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे से थ्योरीज दिए एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, अब हम आते हैं फ्योल, फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट हो, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट हो, यूनिवर्सल अप्रोच हो, ठीक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज हो, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज हो, ये सारे के फादर कौन होते हैं, फ्योल को कहा जाता है, हेनरी फ्योल। इनका टाइम पीरियड था 1841 से लेकर 1925 तक। ही बिलोंग्स टू फ्रांस, इन्होंने अपना सारा काम फ्रेंच में किया था, इनकी जो पहली जो बुक थी वो फ्रेंच उसमें लिखी गई थी, और इसके बाद जब इनकी बुक 1929 एंड 30 के आसपास ब्रिटिश लैंग्वेज में पब्लिश्ड हो रही है आफ्टर हिज डेथ, तो लोगों को ये समझ में आया कि इन्होंने वो बहुत सारा ब्रॉड लेवल पर काम किया हुआ है, 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, 5th एलिमेंट्स ऑफ
ऑफ मैनेजमेंट, सिक्स्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया था। एक बात ध्यान रखिएगा कि हेनरी फ्योल ने अपनी लाइफ में कभी मैनेजमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, ही यूज्ड दैट वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड पर काम किया, बाद में लोगों ने उसको मैनेजमेंट से वो किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में भी डिफरेंस होता है, जो कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, समय आप लोगों को पूरा ये एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर फ्योल की चर्चा अगर हम करते हैं तो फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स कैसे दिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग दिया इन्होंने। तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के 14 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक एचआर मैनेजर्स यानी जो वहाँ पर एक मैनेजमेंट में मैनेजर्स पर्सन होता है उसके स्किल्स कैसे होते हैं, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कैसे होते हैं, किस तरह के लेवल पर कौन सा यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन सा स्किल्स काम आता है, ठीक है, मिडिल लेवल पे कौन सा काम आता है और लोअर लेवल पर किस स्किल का काम आता है। तो एक हेनरी फ्योल ने बहुत ब्रॉड में काम किया था, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का मतलब फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कहा जा रहा है, कि एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी जो है वो किसके इसमें जा रहा है, फ्योल के, इसीलिए क्लासिकल मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। भाई तीन पीरियड में बांटा गया है आपके क्या कहते हैं मैनेजमेंट थॉट्स को, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न। क्लासिकल में अगर हम बात करते हैं तो तीन थिंकर को हम देखते हैं, टेलर, फ्योल यानी एफ डब्ल्यू फ्रेडरिक विंसलो टेलर आपके हो गए, हेनरी फ्योल हो गए एंड मैक्स वेबर हो गए। इन तीन थिंकर्स के साथ साथ उसमें और भी बहुत सारे थिंकर्स को हमको पढ़ना है, क्यों, क्योंकि जो जिन्होंने टेलर्स की थ्योरीज को सही कहा या जिन्होंने टेलर्स की थ्योरी को गलत कहा या गलत कह सकते हैं या उनसे कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ पर चर्चा ही नहीं की है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मैरी पार्कर फॉलेट की बात करते हैं तो इनको जाना जाता है किस लिए, नियो क्लासिकल के ब्रिज के लिए, ठीक। अगर हम लूथर गुलिक और अर्विक की बात करते हैं तो वो फ्योल के टाइम पीरियड्स की बात करते हैं, वो फ्योल की थ्योरी को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हम लूथर गुलिक की थ्योरी में हम लोग उनके प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उनके सारे वो पढ़ते हैं, पोस्ट कॉर्ब, ठीक। तो पोस्ट कॉर्ब के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। क्वेश्चन यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि लूथर गुलिक और अर्विक को हमें पढ़ना है, लेकिन इसमें फ्योल लिखा है तो हमें उनको जरूर पढ़ना है, ठीक। हम टेलर को पढ़ेंगे तो एचएल गैंट को पढ़ेंगे, इमर्सन को पढ़ेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें एक एक थिंकर्स हैं और एक एक थिंकर के उसमें हमें देखना पड़ता है। अब हम अगर बात करते हैं मयो की, तो इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहा जाता है। जहाँ क्लासिकल थ्योरी में कहा जा रहा था कि मैन एज ए वर्क मशीन मतलब मैन क्या है, एक मशीन की तरह काम कर सकता है और वो मशीन की तरह काम करता है, उसे मॉनेटरी टर्म से मोटिवेट किया जाता है, वहीं पे मयो ने इस चीज़ को निग्लेक्ट करते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के बाद फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या जन्म ले रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हम एक और पर्सन का नाम लेंगे, रॉबर्ट ओन, ही वॉज द फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट या वेलफेयर मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। 1810 के आसपास लमसम एरिया में, ब्रिटिश में, इन्होंने अपने जो है एक वेलफेयर जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारे भी कॉरपोरेट को लेकर कुछ, इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, और उस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए हम फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हम किसको कहते हैं, रॉबर्ट ओन को कहते हैं। पिछले साल के किसी भी क्वेश्चन पेपर्स में आप देखिए तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट ओन की चर्चा आती है, चाहे वो मैचिंग इन द फॉलोइंग्स में पूछा जाए, चाहे वो एसएसएन रीजन में पूछा जा रहा है, और चाहे वो स्टेटमेंट्स के उसमें पूछा जा रहा है, तो रॉबर्ट ओन की चर्चा हम कई बार देखते हैं। अब हम आते हैं मैरी पार्कर फॉलेट, एक ऐसी महिला मैरी पार्कर फॉलेट जिन्होंने जो है बहुत सारे काम किए हैं, यानी कि आज की डेट में इंटीग्रेशन जैसा वर्ड या इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड्स हम लोग जो देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें सुनने में आ रही है, ये मैरी पार्कर फॉलेट के उसे कॉन्सेप्ट से निकल रहा है, क्योंकि इन्होंने साइंस और
क्या कहते हैं थॉट्स, इन सबको मिलाकर एक अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। सीआई बर्नार्ड यानी फादर ऑफ सोशल स्कूल सिस्टम कहे जा रहे हैं, इन्होंने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कह दिया कि वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सोशल यानी कि एक एम्प्लॉई जो ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करने आता है तो वो क्या करता है कि जाहिर सी बात है कि वो अपना 8 से 10 घंटे ऑर्गेनाइजेशन को भी दे रहा है, तो वहाँ पर भी उसका एक समाज बन गया है, एक सोसाइटी बन गई। तो हम यहाँ पे सीआई बर्नार्ड को देखेंगे। फिर आते हैं हम बिहेवियरल अप्रोच पर। बिहेवियरल अप्रोच यानी कि बिहेवियर, यानी अब यहाँ पर बिहेवियरल थ्योरीज की बात हो रही है। तो बिहेवियर अप्रोच में हम पूरा का पूरा ओबी का पोर्शन पढ़ते हैं, जिसमें हम मोटिवेशन, लीडरशिप थ्योरीज, ये सारी चीज़ें यानी कि यहाँ पर बिहेवियरल अप्रोच में आ जाते हैं। फिर सिस्टम अप्रोच, नोबेस्ट की हम सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों से आया हुआ है। अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो लुंडबर्ग ने सबसे पहले सिस्टम अप्रोच दिया, उन्होंने एक क्या कहते हैं बॉटनी के टर्म्स में सिस्टम्स की बात की थी। उसके बाद हम क्वांटिटेटिव अप्रोच पढ़ते हैं यानी मैथमेटिशियंस की चीज़ें कि भाई मैनेजमेंट में कंटेंजेंसी अप्रोच, और इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं MBO अप्रोच बाय द PF ड्रकर। उन्हें PF ड्रकर ने MBO अप्रोच दिया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके बाद अब जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, जो अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने हिसाब से दिया है, उसको हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अभी इससे पहले हम लोग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग देखते थे, लेकिन उसके बीच में भी एक बहुत बड़ा सा छोटा सा पार्ट अगर देखा जाता है तो वो उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। जितना दिखने में छोटा उतना ही इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी के फादर कहते हैं तो हम हर्बर्ट साइमन को पढ़ना पड़ेगा। हर्बर्ट साइमन को पढ़ते समय भी हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऑर्गेनाइजिंग, किस तरह की ऑर्गेनाइजिंग है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन रहा है, स्टाफिंग, स्टाफिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, डायरेक्शन यानी डायरेक्टिंग में कहाँ पे, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका यूनिट वन है जो कि हम लोग को पढ़ना होता है। और एक चीज़ HR के सिलेबस में, लेबर लॉ सिलेबस में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हर यूनिट अपने आप में इंटरलिंक है। जो बाकी सिलेबस को देखते समय मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, हर यूनिट अगर आप ऊपर एक चीज़ ये चीज़ अच्छे से पढ़ लिया तो नीचे कर लिया, इवन आप लेबर लॉ भी पढ़ते समय कि ये जो नियमावली, रूल्स एंड रेगुलेशंस आया है ये कहाँ से, कहीं ना कहीं थॉट्स से दिए गए हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, यानी कि अब हम प्लानिंग तो देख लिया और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग देखेंगे। फिर जॉब एनालिसिस, हम जॉब एनालिसिस देखेंगे, जॉब एनालिसिस के टेक्निक्स देखेंगे, जॉब एनालिसिस बनती कैसे है। तो अब हम देखेंगे कि जॉब एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन आएगा, जॉब को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, मैन पावर भाई रिक्रूटमेंट करने से पहले हमें जॉब को एनालिसिस किया जाता है। बिफोर द रिक्रूटमेंट हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और कहाँ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे बाद की रिक्वायरमेंट है। तो इसे हम जॉब एनालिसिस के दौरान पढ़ते हैं। उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जो ड्यूटीज़ एंड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई क्वेश्चन जॉब एनालिसिस से इस अगर आप हर साल के एग्जाम में देखेंगे तो पूछा जा रहा है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट क्या है, कितने तरह के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, मेथड्स कौन कौन से रिक्रूटमेंट्स के होते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, दैट इज द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इंडक्शन से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंडक्शन में हम सबसे बेसिक चीज इंडक्शन की बता दे रहे हैं यहाँ पर कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में पहले दिन आए और ऑर्गेनाइजेशन में नई ज्वाइनिंग के बाद हमें जो इंट्रोडक्शन कराया जाता है डिपार्टमेंट से, अपने काम से, इसी को हम इंडक्शन कहते हैं या ओरिएंटेशन कहते हैं। जॉब इवैल्यूएशन, एक जॉब की क्या वर्थ ऑफ द जॉब, दैट इज़ द जॉब इवैल्यूएशन। कंपनसेशन मैनेजमेंट, किस तरह का कंपनसेशन पे किया जाएगा, यानी पेमेंट क्या होगा, पेमेंट मोड क्या होगा, ये सारी चीज़ें। एम्प्लॉय बेनिफिट इंसेंटिव, इंसेंटिव अब ये इंसेंटिव टर्म्स आया कहाँ से। मॉनेटरी में अगर देखा जाए तो फादर ऑफ रिवॉर्ड थ्योरी हम किसको कहेंगे, FW टेलर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही मॉनेटरी टर्म्स से इंसेंटिव की बात
की थी। मैनेजिंग करियर यानी करियर डेवलपमेंट की बात होगी। न्यू ट्रेंड्स इन एचआरएम आज की डेट में, जैसे आज का जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट हो रहा है या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो रहा है या इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट हो रहा है, उसमें एचआर का क्या कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एचआरएम के क्या रोल्स हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं। जैसे अभी नया नया एक वर्ड्स निकला है एचआरबीपी यानी ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर, यानी कि अब बिजनेस पार्टनर ह्यूमन रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा एज अ बिजनेस पार्टनर, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉइज और पर्संस क्या होंगे एज अ बिजनेस पार्टनर रोल प्ले करेंगे, यानी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका भी शेयर वो लेते हैं, लॉस होगा तो उसमें भी अपना वो शेयर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट आया। फिर आ जाते हैं हम यूनिट थर्ड में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम सबसे ज़्यादा टीवी राव, ठीक है, इन लोगों को पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें क्या कहते हैं भारत में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम टीवी राव को पढ़ते हैं, सुब्बा राव को पढ़ते हैं, इस तरह के लोगों ने, इन लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। ऑक्टापेस, ठीक, ऑडिट क्या होती है, एचआर ऑडिट भी होती है भाई, जब कंपनी में कितने पर्सन काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वो चीज़ मिल रही है, लीव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बोनस टाइम से मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों की ऑडिट होती है। कंसल्टेंट क्या होता है, नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, HRIS क्या होता है, यानी कि एक पूरी की पूरी शीट, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर जाने से हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन पर्सन, कितने ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, हमें ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिल जाना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि IHRM में इंडिया तो इंडिया, बाहर के देशों में किस तरह के HR के प्रैक्टिसेस चल रहे हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर हम आते हैं यूनिट फोर्थ में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि जो मैंने बिहेवियर अप्रोच की बात की थी यूनिट फर्स्ट में, उसका पूरा ब्रॉड लेवल में हमें यूनिट फोर्थ में पढ़ना होता है। कॉन्सेप्ट क्या है वो भी, किस तरह का, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर एम्प्लॉयर, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन काम कर रहा है, एक एम्प्लॉयर भी है एक एम्प्लॉय भी है, तो एम्प्लॉयर का बिहेवियर एम्प्लॉय के लिए क्या है, एम्प्लॉय का बिहेवियर एम्प्लॉयर के लिए क्या है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर रिसर्च हो रहा है तो इस पर हो रहा है, इंडिया में तो अभी इस पर बहुत कम रिसर्च पे होते हैं, लेकिन देखा जाए तो इस पर बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। हम देखते हैं इसमें मोटी पर्सनैलिटी, पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है, एट द टाइम रिक्रूटमेंट वो बहुत सारी चीज़ें कमिट करता है, ड्यूरिंग द जॉब वो बहुत सारे कमिटमेंट से पीछे हट रहा है, तो हम पर्सनैलिटी पर रिसर्च कर रहे हैं। परसेप्शन एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, एम्प्लॉय के क्या परसेप्शंस हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय को लेकर एम्प्लॉयर के क्या परसेप्शंस हैं। लर्निंग, एटीट्यूड, मोटिवेशन, मोटिवेशंस में हम लोग पूरे मैस्लो, फादर ऑफ मोटिवेशन हम देखते हैं तो मैस्लो की बात करते हैं, फिर टू हर्ज़बर्ग थ्योरी आ जाती है, टू फैक्टर की, विक्टर ब्लूम की थ्योरी, ऐसी बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं। इंटरपर्सनल बिहेवियर, ठीक, दो तरह के बिहेवियर होते हैं, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब है कि विद इन टू पीपल, इंट्रापर्सनल क्या है कि विद इन योर सेल्फ। ग्रुप डायनेमिक्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पावर एंड अथॉरिटी, स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट, ये सारा टॉपिक हम यहाँ कवर कर लेंगे। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ का यहाँ से स्टार्टअप होता है। अब क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब होता है तीन चीज़ों में, पहला एम्प्लॉयर का रिलेशन, एम्प्लॉय से कैसे है, ठीक, एम्प्लॉयर का रिलेशंस आउटर यानी गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर, अदर एम्प्लॉयर से कैसा चल रहा है, एम्प्लॉयर का चल रहा है, और उसके बाद जो है एम्प्लॉय का रिलेशन एम्प्लॉय से कैसा है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम IR कहाँ से आया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहाँ से आया, तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम IR को वर्ल्ड सिनेरियो से पढ़ेंगे, इंडियन सिनेरियो से नहीं पढ़ेंगे। पहली चीज़ वर्ल्ड सिनेरियो से, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है कि अमेरिका का IR सिस्टम या फिर हम चाइना का IR सिस्टम पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ के IR सिस्टम और इंडिया, क्योंकि भारत और ब्रिटिश का खासतौर पे हम लोग को पढ़ना होता है, क्योंकि हमारा देश कभी ना कभी ब्रिटिश के उसमें रहा है, आधिपत्य में रहा है, तो हम ब्रिटिश के उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं, वहीं से निकल के आ रही हैं। उस टाइम पर हमारे यहाँ के वर्कर्स को किस तरह से, किस नज़रिए से देखा जाता था, और आज की डेट में हम के तो बाईपार्टाइज, ट्राईपार्टाइज, बाईपार्टाइज्म का मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, याद रखिएगा, बाईपार्टाइज्म का मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय,
ट्राइपार्टाइज में एक गवर्नमेंट का रोल आ जाएगा। ट्राइपार्टाइज में किसका रोल आएगा? गवर्नमेंट का रोल आएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग, फादर अगर इसके हम जानते हैं तो सिडनी एंड वेब का नाम जानेंगे, जहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब वर्कर्स का भी पार्टिसिपेट होना चाहिए मैनेजमेंट में। और इसी चीज को लेते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 43 का ए क्या कहता है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। यानी कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखना होगा कि लेबर और ट्रेड और इन सब यूनियन की क्या स्थिति है। यानी कि अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। ग्रीवेंस हैंडलिंग, शिकायत के भाई ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ चार लोग होंगे, हमारे यहाँ पे पुरानी कहावत कही जाती है, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटपुट तो होता ही है ना, खटर पटर होता है। तो वो खटर पटर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी जहाँ चार पीपल होंगे, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे लोगों के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद होंगे, हम ग्रीवेंस हैंडलिंग देखेंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन यानी डूज एंड डोंट्स, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है डूज एंड डोंट्स, यानी स्मोकिंग करना नहीं है और यहाँ पर ये करना चाहिए, ठीक है। पीसफुल क्वाइट शांति का माहौल बनाए, शोर ना करें, ठीक है। तो इस तरह के जो डूज एंड डोंट्स फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में लिखे रहते हैं वहाँ पर देखेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नमेंट भी बनाती है, एम्प्लॉयर अपने यहाँ के एम्प्लॉयज के लिए भी बनाता है, या फिर हम देखें कि जो एम्प्लॉयर का बायर होता है, यानी कि जो फैक्ट्री में कुछ सामान परचेजिंग वगैरह, तो उसके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो उस दायरे में इंडस्ट्रीज को कैसे चलना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इन चेंजिंग सिनेरियो, आज के चेंजिंग सिनेरियो में किस तरह से आईआर सिस्टम चल रहा है। ट्रेड यूनियन, बहुत दिखने में जितना छोटा उतना ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जिसने पूरा का पूरा ढंग से ट्रेड यूनियन पढ़ लिया ना, उसे बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है, क्योंकि सारे लॉ सब कुछ यहीं से जन्म ले रहा है। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश एरा में हम 1923 वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 से हम पढ़ाना शुरू करते हैं, जिसमें दूसरा एक्ट आपका क्या आ जाता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब इसके कॉन्सेप्ट, पहला ट्रेड यूनियन कैसा, पहले तो हम वर्ल्ड का पढ़ेंगे, पूरे विश्व में ट्रेड यूनियन की क्या कैसे बनी है, अमेरिका में सबसे पहले क्या बना, किस तरह से बना, ब्रिटिश में बना, कैसे बना, क्योंकि वहाँ के यूनियंस के क्वेश्चन हर साल देखने को कि इस समय का वहाँ का ट्रेड यूनियन कौन सा है, फेडरेशन कौन सा है, तो वहाँ पर हम देखते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन की कहाँ से स्थापना हुई है, कहाँ से ट्रेड यूनियन बनना शुरू हुआ है। अगर हम देखें तो हमने एक मूवी देखी होगी मंगल पांडे, तो उसमें भी एक यूनियनिज्म का छोटा सा रूप देखा, यानी सन 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भी एक छोटा सा यूनियनिज्म का वो देखा, लेकिन प्रॉपर यूनियनिज्म ना होने की वजह से क्या है, वहाँ पर वो चीज़ें नहीं सफल हो पाई। इसलिए उसके बाद हम देखते हैं कि 1890 में, यानी 1890 में पहला ट्रेड यूनियन भारत का बन रहा है, लेकिन वो फुल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं बना है। जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे की बात करते हैं तो बीपी वाडिया का मद्रास लेबर यूनियन की बात करते हैं, जो फुल ऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ है। तो उस टाइम पे और किन किन कई टाइम पीरियड में ट्रेड यूनियन को बांटा गया है, और आज की डेट में कौन कौन से ट्रेड यूनियन किस तरह के काम कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है और किस तरह के उनके स्लोगन्स हैं, इन चीज़ों को हमको पढ़ना होता है। अब हम यूनिट 6 की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जब हम पढ़ाएंगे तो पहला जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करते हैं तो 1860 के टाइम पर आया था, एक एम्प्लॉयर और वर्कर्स डिस्प्यूट के। उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट आया, उसके बाद डिफेंस आया, और उसके बाद 1947 में पहला एक्ट पास हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जिसके बारे में हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में होता है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बीच में होता है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में होता है विवाद, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्थिति होती है। इसको एम्प्लॉयर के प्रस्पेक्टिव से नहीं बनाया गया था, एम्प्लॉय के प्रस्पेक्टिव से नहीं बनाया गया था इस एक्ट को, और द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये दोनों एक्ट इंडस्ट्री को देखते हुए बनाया गया था कि एक इंडस्ट्री में कौन सी, यानी कि अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है, एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या उसने पहले से नोटिस दे रखा है या नहीं दे रखा है, पहले से इन्फॉर्म कर रखा है या नहीं कर रखा है, या एम्प्लॉयर लॉकआउट कर रहा है, या एम्प्लॉयर रिट्रेंचमेंट कर रहा है, या एम्प्लॉयर ले ऑफ कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये चीज़ें हो गई।
ठीक। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 7 पर, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल इंटरनेशनल लेबर। यहाँ पे लेबर लेजिस्लेशन स्टार्ट हो रहा है। लेबर लेजिस्लेशन क्या है? और ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ है तो उसमें उसके बाद सबसे ज़्यादा स्थिति वर्कर्स की खराब थी, जिसको देखते हुए पूरे की दुनिया में एक सबसे बड़ा संगठन बनाया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भारत से सबसे पहले NM जोशी गए थे, वहाँ के यहाँ के इंडियन लेबर के जो है रिप्रेजेंटेटिव बनकर। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होती हैं कि भारत से कौन गया था। क्वेश्चन में आ जाता है कि जब 1919 में भारत जो है फाउंडिंग मेंबर में आ रहा है और भारत से कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो भारत से कौन जा रहा है वहाँ पे? जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो भारत से इंडिया का लेबर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कौन गया था? ये क्वेश्चन में आ जाए, चार ऑप्शन दे देगा, NM लोखंडे को लिख देगा, जोशी को लिख देगा, लाला लाजपत राय को लिख देगा और गांधी जी को लिख देगा। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में गांधी जी चलेंगे, क्योंकि गांधी जी बहुत सारे आंदोलन में चल रहे हैं इस समय, वो कई जगह रिप्रेजेंटेटिव दिख रहे हैं। लेकिन नहीं, रिप्रेजेंटेटिव भारत का कौन गया था? लेबर की तरफ से NM जोशी गए थे। उसके बाद सोशल जस्टिस क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान और लेबर लॉ यानी कि लेबर के नियमावली कहाँ कहाँ पर है, तो हम उसको देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में कहाँ पर है और उसके यूनियन लिस्ट में कहाँ पर है, स्टेट लिस्ट में कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कौन कौन से एक्ट भारत में एप्लीकेबल है। बहुत सारे एक्ट है, लेकिन कौन कौन से एक्ट के बिना भारत में काम ही नहीं चल सकता, इंडिया में काम ही नहीं चल सकता है उस एक्ट के बिना, तो वो है द फैक्ट्री एक्ट 1948। पहला फैक्ट्री एक्ट जब पास हुआ तो 1881 था, उसके बाद 1891 में पास हुआ, उसके बाद 1911 में पास हुआ, उसके बाद 1922 के में पास हुआ, 1934 में पास हुआ, इसके बाद जब आया तो 1948। और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए बहुत सारे ईयर में, लेकिन मेजर अमेंडमेंट्स कब हुआ? क्वेश्चन में आ जाए कि फैक्ट्री एक्ट 1948 का सबसे मेजर अमेंडमेंट कौन से सन में हुआ था? तो याद रखिएगा 1987 का जो अमेंडमेंट्स हुआ था फैक्ट्री एक्ट का, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो अमेंडमेंट हुआ था उसको मेजर अमेंडमेंट्स माना जाता है, जिसमें बहुत सारे शेड्यूल्स आए थे, बहुत सारे सेक्शंस को जोड़े गए थे, क्योंकि उस ट्रेजेडी को एक भारत की सबसे बड़ी त्रासदी भी मानी जाती है। द माइंस एक्ट, माइंस को लेकर हम लोग बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, पुरानी मूवी देखते हैं, फैक्ट्री एक्ट को भी लेकर देखते हैं, हमारी मांगे पूरी करो फैक्ट्रीज में नारे चल रहे होते हैं, ठीक है। माइंस को लेकर देखते हैं कि जो माइंस यानी कि जहाँ पे खदाने हैं, कोयला हुआ, मिट्टी खदान हुआ, ठीक है, तो ये सारे चूना खदान हुआ, तो माइंस यानी कि वहाँ पे जहाँ पे खदान है, अब वहाँ पे दो काम होते हैं, एक अबव द लैंड होता है, एक बिलो द लैंड होता है। तो बिलो द लैंड के लिए क्या नियमावली, कितने वर्किंग डेज हैं, क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे हम देखेंगे। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे जो माइग्रेट वर्कमैन है, 1979 ये नया जोड़ा गया सिलेबस में। पहले का जो सिलेबस यानी 2015-15 के सिलेबस में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये सिलेबस में ऐड किया गया, क्योंकि माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक, इंडिया में भी तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट, भाई भारत में सिर्फ परमानेंट वर्कर तो कवर काम होता नहीं है, यहाँ पर कुछ ठेके भी काम होता है, तो ठेकेदारों के लिए भी नियम बनाया गया है और किन कंडीशंस में ठेकेदारों को रखना है या करना है, वो सारी चीज़ें हैं। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये भी नया सिलेबस में ऐड किया गया था। द बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी कि जो बिल्डिंग्स और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, 1996 में हुआ था, इसमें किस तरह के रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने के लिए होंगे और कंडीशन ऑफ सर्विस होगा। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, तो ये जो एक्ट है यानी कि भारत में अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी भारत में भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर है। तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो संविधान में चाइल्ड लेबर का यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवाना है, 14 साल के बाद के बच्चे फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। और इसमें हम बहुत सारे क्या कहते हैं एरिया को पढ़ते हैं,
चाइल्ड लेबर में भारत में आज की डेट में किस तरह की स्थिति है। अब तो काफ़ी कम हो गया है चाइल्ड लेबर, लेकिन पहले एक समय था कि चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा था। तो 1986 में इस एक्ट को बनाया गया। इसके बाद आ जाते हैं हम क्या कहते हैं यूनिट एर्थ में, यहाँ पे वेजेज यानी वेजेज को लेकर। भाई मजदूर जब अपना काम करता है तो मजदूर जब काम करेगा तो उसको के वेजेज को लेकर यानी वो अर्निंग को लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, बहुत सारी थ्योरी बनेगी। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स की थ्योरी हम देखते हैं, एडम स्मिथ की थ्योरी देखते हैं, यानी कि यहाँ पे वेज थ्योरी में बहुत सारे वेज थ्योरी को और वेज डिफरेंशियल फैक्टर कौन से वेज है क्या, व्हाट इज़ द वेजेज, डिफरेंसेस बिटवीन वेजेज, सैलरी, बेसिक वेजेस क्या होता है, डीएनएस अलाउंस क्या होता है, मिनिमम वेज क्या होता है, फेयर वेजेज क्या होते हैं, लिविंग वेजेज क्या होता है, यहाँ पर वेजेज को देखेंगे। इसके साथ कौन कौन से इसमें एक्ट पास हो रहे देख रहे हैं, तो मिनिमम वेज एक्ट 1948, भैया इतना मिनिमम आपको देना ही देना, सरकार तय कर दी किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए, कि आप इतना तनख्वाह तो देंगे ही देंगे, इससे कम आप नहीं दे सकते, क्योंकि पहले इसके लिए बहुत मारामारी हुई रहती थी। लोग जो है काम करवाते थे लेकिन तनख्वाह पूरी नहीं देते थे, कम देते थे। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ वेजेज 1936 के बारे में ये सीधी सी बात है कि एक समय ऐसा था कि ये देख लीजिए 36 है तो इसका मतलब भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक। तो वो एक समय ऐसा था कि वेजेज मिलते तो थे लेकिन भाई आज मिलेगा कि कल मिलेगा, एक महीने बाद, यानी एक महीना काम कर ले दो महीने बाद, कोई टाइम पीरियड नहीं होता था। तो यहाँ पर एक फिक्स टाइम किया गया कि अगर 1000 वर्कर तक है तो 7 तारीख तक तनख्वाह दे देनी है, 1000 वर्कर से ऊपर है तो 7 तारीख के बाद तनख्वाह यानी 10 तारीख तक तनख्वाह दे देनी है, ठीक, 7 के बाद, लेकिन कब तक, 10 तक तनख्वाह दे देनी है। और उनके अननेसेसरी डिडक्शन होते थे, यानी अननेसेसरी यानी कि जो ज़रूरत नहीं है उसके बावजूद भी अगर एक वर्कर से एक ग्लास भी टूट जाए तो उसका डिडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। कितना डिडक्शन करवाना है, अगर कोई नुकसान हो रहा है वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वर्कर्स के उससे कोई नुकसान हो भी रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कितना डिडक्शन करवाना है, कहाँ पे फाइन लगाना है, कहाँ फाइन नहीं लगाना, ये सारी चीज़ें पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पुरानी जितनी भी हम लोग बहुत सारे अमिताभ बच्चन जी की और कादर खान जी की इन लोग की मूवी देखते हैं तो उसमें बोनस को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब किया जाता है कि बोनस हमारी मांगे, हमें बोनस नहीं मिल रहा है। तो बोनस एक्ट 1965 में आया है, मूवी को लेकर नहीं आया है, मूवी तो इनके एक्ट के उस पर बनी हुई है कि इस तरह की कंडीशंस आती थी ऑर्गेनाइजेशन में। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम तनख्वाह दी जाती थी, तो यहाँ पर इक्वल रेम्यूनरेशन की बात की गई कि जितना काम महिला कर, यानी 8 घंटे अगर महिला काम कर रही है तो उसको 100 रुपये मिल रहा है, और पुरुष 8 घंटे काम कर रहा है तो उनको 200 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 8 घंटे काम चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे, 200 रुपये बन रहे हैं तो 200 ही मिलने चाहिए। तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 आया। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, हम ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल 25 साल काम कर लिए और जाने के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें कुछ ऐसा मिले जो कि लगे कि पारितोषिक टाइप का है, कुछ उपहार टाइप का है, तो उसे हम ग्रेचुटी के उसमें पढ़ते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉई 5 साल लगातार काम कर लेता है तो उसको क्या है, वो ग्रेचुटी का हकदार बन जाता है, और 1972 के तहत उसका कैलकुलेशन करके ग्रेचुटी दी जाती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड को लेकर यानी कि पीएफ यानी कि भविष्य के लिए भी कुछ बचत करनी चाहिए, तो एम्प्लॉयर का भी कुछ कटता है और एम्प्लॉयर का भी 12% कट रहा है और एम्प्लॉय का भी 12% कट रहा है, और उसको पेंशन फंड में कैसे क्या करना है, तो यहाँ पर हम 2-3 एक्ट को देखते हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ एक्ट इसके अलावा भी पढ़ते हैं, जैसे ESI एक्ट, ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948, इस एक्ट को देखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, इस एक्ट को देखेंगे, ठीक। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इस एक्ट को, क्योंकि पढ़ना ये सारी ज़रूरी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर वो सब इससे इंटरलिंक है, तो इस एक्ट को हम देखते हुए चलेंगे। फिर आ जाते हैं लेबर वेलफेयर क्या है, यानी कि वेलफेयर यानी हम यहाँ पर बात करते हैं वही रॉबर्ट ओवन की थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी, गांधी जी की जिसको एडवोकेट करते हैं, पुलिस थ्योरी,
ठीक, तो प्लैकेटिंग थ्योरी, ऐसे सात थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, रिवॉर्ड थ्योरी, इस तरह की थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, प्रिंसिपल है, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट यहाँ पर आ गया, एक्सीडेंट यानी वर्कमैन कंपनसेशन, एक्सीडेंट को कम करने के लिए हजार रिस्क वाली चीज़ें पढ़ते हैं, सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, सोशल सिक्योरिटी और सोशल एश्योरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आपका यूनिट 10 में आते हैं, लेबर मार्केट, यानी कि अब लेबर मार्केट क्या है इंडिया में, किस तरह के लेबर की डिमांड है, किस तरह के लेबर का वो क्या कहते हैं नेचर ऑफ कंपोजी एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन लेबर है, कहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट सी एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट सी, किस तरह के टाइप्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कुछ इकोनॉमिकली लेबर्स के इकोनॉमिक्स व्यू को देखते हुए चलते हैं और प्रॉब्लम इन लेबर, प्रॉब्लम ऑफ लेबर इन इंडिया, इंडिया के लेबर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आज की ड्यूरेशन में, ये सिलेबस में हम लोग देखते हैं। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हर साल इन सब टॉपिक से और अलग अलग मोड पे पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, यही 10 यूनिट्स, लेकिन एक यूनिट दूसरे यूनिट से इंटरलिंक है, जब आप क्लास में बैठते हैं तो उसकी चर्चा की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है और एक एक चीज़ों को डेप्थ में पढ़ाया जाता है। ओके।